हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास स्पेक्ट्रम से बनाई गई ये सीरीज है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पार्ट 11 लेकर के आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास पार्ट 11। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमें स्थापना और इसका उदारवादी चरण के विषय में देखेंगे कि इसकी स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, क्या इसने काम किए, क्या अचीवमेंट्स किए, और इसका जो उदारवादी चरण था, उदारवादी चरण मतलब मॉडरेट फेस जो था, जो पेटिशन वगैरह में बिलीव रखता था, उसमें उसके विषय में बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको लाभ यह होगा कि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर दे दिए जाते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है वो भी वहां पे शेयर कर दिया जाता है। तो अगर आप यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं तो ये भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ज्वाइन करने की प्रक्रिया जिनको नहीं पता वो यहाँ पे लिखी हुई है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो देखिए, जो ये 1870 और ये 1880 का जो दशक था, इसके आसपास का जो ये समय था, वहां उसमें एक मांग उठने लगी एक राष्ट्रीय संगठन की, जो रिप्रेजेंट करे जो भारतीय हैं उनके पॉलिटिकल अधिकारों को रिप्रेजेंट करे, उनकी मांगों को रिप्रेजेंट करे, भारतीयों को राष्ट्रीय स्तर पे रिप्रेजेंट करे। तो एक राजनीतिक संगठन की मांग उठने लगी, एक डिमांड उठने लगी, और एक आधार भी तैयार हो गया। तो एक एओ ह्यूम नाम के व्यक्ति थे, एओ ह्यूम, उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग के बुद्धिजीवियों जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको इकट्ठा किया, और उनके सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन था 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ध्यान रखिएगा। सेफ्टी वॉल, ये जो थियरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? लाला लाजपत राय। उन्होंने कहा था कि एक ये चतुराई थी सरकार की कांग्रेस का निर्माण करना, कोई मतलब ये नहीं चाहती थी पॉलिटिकली कोई एक प्रकार से राजनीतिक लाभ हो भारतीयों को, एक प्रकार से उनकी नीति थी, चतुर नीति थी। क्या देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें आपको पता है कि अंग्रेजी सरकार के तंबू हिल गए थे, बहुत जो था एक विशाल क्रांति थी, वो बहुत बड़ा जन आंदोलन था। तो अंग्रेज ये सोचने लगे कि अगर वैसा ही आंदोलन दोबारा हो जाता है, क्योंकि उनकी नीतियां तो वैसी थी, गुस्से क्रिएट हो रहा था भारतीय अलग अलग जो वर्ग थे उनमें, तो उन्होंने सोचा, उनको आभास हो गया कि ये गुस्सा फिर से ना फूट जाए, एक फिर से बड़ी क्रांति ना उत्पन्न हो जाए, और उन्होंने सोचा कि अब की बार अगर ये क्रांति उत्पन्न हुई तो उससे भी बड़ी लेवल की होगी और पूरा ही सरकार को उखाड़कर फेंक देगी और बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। तो इसको रोकने की उन्होंने तरकीब सोची और उन्होंने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत कांग्रेस का निर्माण कराया। इन्होंने कहा है कि जैसे कुकर होता है, सेफ्टी वॉल्व होती है कुकर में, तो उसमें क्या होता है कि जब कुकर में आप खाना पकाते हैं तो उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता जाता है। अभी वो प्रेशर एकदम ना निकल जाए, कुकर फट ना जाए, तो उसके लिए सेफ्टी वॉल्व लगाई जाती है ऊपर। तो उससे क्या होता है, जो भी प्रेशर अंदर क्रिएट होता है वाष्प के द्वारा, जो वाष्प उत्पन्न हुई होती है वो सीटी के थ्रू निकल जाती है, जो सेफ्टी वॉल्व होती है कुकर की। तो वही कांग्रेस ने काम किया, जो गुस्सा उमड़ रहा था तो उसको एकदम रोक लिया। तो लोगों को यह लगने लगा कि भाई एक संगठन बन गया है और ये रिप्रेजेंट करेगा, तो एक क्रांति मत लाओ, इनके थ्रू अपनी आवाज रखो और कांग्रेस भी जो है, जो जितने जन हैं उनको रोक पाएगी कि भाई आंदोलन का स्वरूप मत लो, बड़ी जन क्रांति, एक जो आर्म रिवेलियन होता है उसको मत करो, एक साधारण तरीके से अपनी बात कहिए, पिटीशन के द्वारा कहिए, याचिकाओं के द्वारा कहिए। तो ये चीज थी, लाला लाजपत राय ने ये थ्योरी दी थी सेफ्टी वॉल। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के उद्देश्य। देखिए, एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन का उत्थान करना, नेशनलिज्म को बढ़ावा देना। तो देखिए, जब कांग्रेस का निर्माण हुआ था तो कांग्रेस शुरुआत से ही नहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करने लगी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगी। पहले
क्या था कांग्रेस का लक्ष्य कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसको इंडियन फॉर्म में कर देना, ठीक, ज्यादातर सरकार में इंडियंस को इंडक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का होना, तो ये सब चाहती थी, मतलब थोड़ी भारतीय सरकार हो जाए, ठीक है, भारतीयों को कुछ अधिकार मिल जाए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की एकदम डिमांड नहीं करी, फिर धीरे धीरे नेशनलिज्म बढ़ता गया, राष्ट्रवाद बढ़ता गया, फिर डोमिनियन स्टेटस की मांग हुई, तमाम इस बीच आंदोलन हुए, फिर धीरे धीरे जब डोमिनियन स्टेटस से बढ़कर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग होने लगी। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? अधिराज, मतलब पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिल जाना, निर्णय ले सकते हैं भारतीय कुछ विशेष हितकारी, लेकिन जो प्रभुत्व रहेगा वो ब्रिटिश का ही रहेगा ऊपर, तो वो होता है डोमिनियन स्टेटस। फिर वो डोमिनियन स्टेटस की मांग भी हटकर फिर अल्टीमेटली कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग होने लगी। उनको हम आगे देखेंगे, अभी अलग अलग जो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे। तो अभी शुरुआती लक्ष्य कांग्रेस का ये था कि नेशनलिज्म को बढ़ावा देना, पॉलिटिकली लोगों को शिक्षित करना, और एक प्रकार से जो है अधिकारों को दिलाना, भारतीयों को जो अधिकार से पिछड़ गए हैं उनको, भारतीयों को अधिकार दिलाना, पॉलिटिकली यूनाइट करना। तो इसमें लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद आंदोलन का उत्थान करना, और पॉलिटिकली जो पीपल है उनको एजुकेट करना पॉलिटिकली, और देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट कार्यकर्ता हैं उनको जो है उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, एक प्रकार से उनमें एक हारमोनी डेवलप करना कि सब मिलकर काम करें। अलग अलग जो संगठन है, जो अलग अलग क्षेत्रों की कांग्रेस, जो रीजनल कांग्रेस कमेटीज हैं, उनके जो है एक संबंध स्थापित करना उनके बीच मैत्रीपूर्ण। एक उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रसार। तो जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी भी डेवलप यहीं से होने लगी, प्रसार होने लगा, पहले से डेवलप थी लेकिन इन्होंने उसको एक जो था पॉलिटिकली उसको व्यू दे दिया कि अब जो है कांग्रेस जो है उसको आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, उसको एक हमारा संगठन बन गया है भारतीयों का, और वो जो है अभी रिप्रेजेंट करता है जो ये आइडियोलॉजी है भारतीयों के हित में, और जो एंटी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। धर्म जाति या प्रांत से बटे होने के बावजूद लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास और समीकरण। तो जैसा पता है भारतीय अलग अलग धर्म जाति में बटे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कल्चर में, तो उन सबको यूनाइट करके नेशनलिज्म का सब में बढ़ावा देना, ये कांग्रेस के लक्ष्य थे। मॉडरेट्स उदारवादी कौन थे? तो ये देखिए, स्टार्टिंग में जब कांग्रेस फाउंड हुई तो उदारवादियों का डोमिनेंस था, जैसा मैंने बताया कि ये संवैधानिक तरीकों से अपनी बात स्वीकारना चाहते थे, स्वीकारवाना चाहते थे कि मानिए, मनवाना चाहते थे सरकार से, उसके लिए याचिका, पेटीशन और एक प्रकार की जो रिक्वेस्ट, ये सब चीजें करते थे सरकार से। तो इनका जो प्रोग्रेस थी वो स्लो थी लेकिन कंटिन्यूअस प्रोग्रेस थी, और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर थे, एक प्रकार से बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर में रहते हुए ये अपना काम करना चाहते थे। और प्रेयर और पेटीशन, जो प्रार्थना और याचिका जो है उसका इन्होंने उपयोग किया। उन्होंने औपनिवेशिक शासन को यथासंभव राष्ट्रीय शासन में बदलने को उपयुक्त माना। तो वही मैंने अभी बात बताई भी आपको, जो औपनिवेशिक शासन है उसको एकदम से भगाना इनका उद्देश्य नहीं था, उसको भारतीयकृत करना धीरे धीरे, और नेशनलिज्म को बढ़ावा देना। मॉडरेट्स, इनमें कौन कौन से प्रमुख नेता आते हैं उनके विषय में देख लेते हैं। दादाभाई नौरोजी, इनका बहुत बड़ा रोल रहा था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं। बहरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, आनंद चाटलू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, जी के गोखले। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स, जो मॉडरेट्स हैं उनका योगदान। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, जो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां थी उनकी इन्होंने आलोचना करनी प्रारंभ हुई, अवगत कराया जो भारतीय हैं उनको, अवेयर कराया कि जो ब्रिटिश हैं उनकी नीतियां ऐसी हैं कि यहाँ का सब धन निकल निकल के वहां जा रहा है, हम लोगों को पता भी नहीं लग रहा। तो इन्होंने अपनी बुक्स लिखी, तमाम जो है भाषण देने प्रारंभ कर दिए, इससे नेशनलिज्म को बढ़ने में मदद मिली, एक एंटी जो कॉलोनियल भावना है वो बढ़ी, ठीक है। तो ये ट्रेन थ्योरी दी गई थी नौरोजी द्वारा, इसमें उन्होंने बताया कि कैसा जो पैसा है वो सब बाहर जा रहा है और जो इकोनॉमी है
विलेज की इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट विलेज थे, तमाम उद्योग थे, हैंडलूम्स, हथकरघा और हस्तशिल्प, अलग अलग कारीगर थे तमाम चीजों के, तो विलेज की इकोनॉमी जो थी भारत की वो सेल्फ सफिशिएंट मानी जाती थी, आत्मनिर्भर मानी जाती थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है, जो उनके फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करके मंगाने लगे थे इंडिया में, फिर उन्होंने इंडियन जो मार्केट है उनको बेकार कर दिया था, देख ही चुके हैं। इनका जो एक बहुत बड़ा योगदान था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892 का, कांग्रेस बनी 1885 में, फिर इन्होंने जो था डिमांड करनी शुरू कर दी कि भाई शासन को भारतीकृत करिए, थोड़ा गवर्नमेंट को भारतीकृत करिए, प्रशासन में थोड़े भारतीय लाइए, तो ये सब डिमांडों थी, वो कुछ मान ली, तो उन्हीं के रूप में जो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो था अंग्रेजों के द्वारा पारित करा गया, और ये तो इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, इनका मॉडरेट्स का प्रारंभिक योगदान था, इनसे इनका मनोबल काफी बढ़ा था। और क्या योगदान था, सामान्य प्रशासनिक सुधार, सुधार अभियान चलाए इन्होंने, इन्होंने भारतीय नौकरियों का भारतीयकरण करिए, जो सरकारी नौकरियां हैं उनका भारतीयकरण, और ज्यूडिशियरी को सेपरेट करिए एग्जीक्यूटिव से, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथककरण, और करप्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ अभियान, तो ये सब चीजें थी, मानवतावाद, जो मानवतावादी कार्य हैं उनको बढ़ावा दीजिए, और जो दमनकारी नीतियां हैं उनको बंद कीजिए, तो ये सब जो थे अभी एक बहुत संगठित तरीके से रिक्वेस्ट जाने लगी, पेटिशन जाने लगी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जो नागरिक अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए इन्होंने काम किए। एन इवेल्युएशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का मूल्यांकन, तो वे सभी भारतीयों के सामान्य हितों के लिए व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में सक्षम थे। तो देखिए जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं उन्होंने जो सामान्य हित हैं बोला कि भारतीयों को यूनाइट किया अलग अलग क्षेत्रों के, उनके सामान्य हितों के बारे में बताया कि सब भारतीय हैं, तो इससे अवगत कराया, तो एक राष्ट्रीय जागृति पैदा हुई। उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया, जो पॉलिटिकली जो एजुकेट किया पीपल को उन्होंने, तो बोला अपने अधिकारों के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है, एक सही तरीका बताया, एक वे दिया उनको, आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के मूल शोषणकारी चरित्र को उजागर किया, तो जैसे हम अभी हमने देखा भी कैसे इकोनॉमिक क्रिटिक जो थे राष्ट्रवादी थे, ग्रेन थ्योरी दी गई, बताया कि कैसे इनकी आर्थिक शोषणकारी नीतियां हैं जिससे भारतीयों को कितना नुकसान हो रहा है, तो ये सब इन्होंने काम किए। और भी तमाम जो थी क्षेत्रों में उन ब्रिटिश नीतियां उजागर की, तो इससे एक प्रकार का राष्ट्रवादी भावना का बढ़ी। उनका राजनीतिक कार्य कठिन वास्तविकताओं पर आधारित था, तो ये नहीं है कि कोई उछली जो उथली धर्म धार्मिक भावनाएं हैं उन पे आधारित हो, एक कठिन भावनाओं पे जो वास्तविक मुद्दे होते हैं, तो उनके विषय में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया वास्तविकता में। भारतीय हित के हित में भारत पर शासन होना चाहिए, भारतीयों के हित पर, तो भारतीय हैं जो वो नेटिव इंडियंस हैं यहाँ के, अभी कोई शासन कर रहा है उनपे तो अकॉर्डिंग होना चाहिए ना इंडियंस के, उनके लाभ छुपे होने चाहिए, ये नहीं कि आप उनका शोषण करिए, ऐसा सरकार होनी चाहिए कि सभी भारतीयों के हितकारी हो, सभी भारतीयों के लिए जो है लाभकारी हो, लेकिन उनकी तो शोषणकारी नीतियां हैं। तो ये सब चीजों जो थी राष्ट्रवादियों के द्वारा की गई, ये मूल्यांकन हमने किया। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का रुख, तो अभी सरकार का रुख देख लेते हैं। तो सरकार जो कांग्रेस थी उदारवादी, वो किसी भी प्रकार का कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं कर रही थी, बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक तरीके से तरीके होते हैं संवैधानिक तौर तरीकों से अपनी बात कह रही थी, राष्ट्रवाद का प्रचार कर रही थी, बहुत ही मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो मॉडेस्ट वे में बहुत शालीन तरीके से चीजें की जा रही थी। तो तब भी सरकार का जो रुख था विरोधी था कि ये नेशनलिस्ट थिंकिंग बढ़ा रहे हैं, अब सरकार विरोधी क्यों होगी, अब देखिए कैसे इन्होंने उनकी इकोनॉमिक नीति उजागर कर दी, उनके कॉन्ट्रेडी लिखने लगे, तो इन सब चीजों से सरकार चिढ़ गई, तो इनके विरोध में आ गई कांग्रेस की, और डफरिन ने कांग्रेसियों को देशद्रोहों का कारखाना कहा, कांग्रेस को कहा देशद्रोहों का कारखाना, यहां से देशद्रोह निकलता है।
बाद में सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो राजगुरु की नीति अपनाई, वही डिवाइड एंड रूल, ये तो सबसे खतरनाक नीति थी अंग्रेजों की जो इंडिया के पार्टीशन का भी कारण बनी। सरकार ने राष्ट्रवादियों को धर्म के आधार पर विभाजित करने का भी प्रयास किया। तो धर्म के आधार पर विभाजित करने का आप देखेंगे अलग अलग टाइम पे, 1909 में कम्युनल जो इलेक्टोरेट दिए गए थे और तमाम जो ऐसी चीजें करी गई थी जिनसे हिंदू मुस्लिम में स्प्लिट हो और इनका राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़े, ठीक है। तो ये सब चीजें जो थी सरकार का रुख था, कांग्रेस बन भी गई लेकिन कांग्रेस के प्रति भी इनका एक प्रकार से अपोजिशन बना रहा सरकार का। अब अगले चैप्टर पे आते हैं, एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। इसमें हमें 1905 और 1909 के बीच जो इनकी गतिविधियां थी उसको पढ़ना है, उग्र राष्ट्रवाद का दौर। तो देखिए, इससे पहले हमें हमने मॉडरेट के बारे में पढ़ा, मॉडरेट जो थे उनको नरम दल का नेता भी बोलते हैं क्योंकि वो संवैधानिक तौर तरीकों में विश्वास रखते थे, उनसे अपनी बात मनवाना चाहते थे, अपनी बात रखते थे। जो प्रेयर होती है, पिटीशन होती है, याचिका और प्रार्थना और रिक्वेस्ट, इन सब से मतलब दायरे में रह के काम करते थे। लॉ एंड ऑर्डर जो होता था उसके दायरे में रह के काम करते थे। फिर जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ता गया, ब्रिटिश विरोधी जो गुस्सा बढ़ता गया, फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म नेशनलिस्ट उभरे, उनके द्वारा जो विधियां अपनाई गई उसको हम मिलिटेंट नेशनलिज्म बोलते हैं, उग्र राष्ट्रवाद बोलते हैं। ये फिर दो गुटों के रूप में हो गए कांग्रेस में, एक हो गया मॉडरेट का गुट, एक हो गया इनका एक्सट्रीमिस्ट का गुट, गर्म दल के नेता, नरम दल के नेता, अभी उनके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, तो राजनीतिक गतिविधि के लिए एक उग्रवादी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण 1890 के दशक से उभरना प्रारंभ हो गया था। जैसे मैंने बताया, जैसे गुस्सा बढ़ रहा था और फिर इसमें जो था 1905 तक आके एक ठोस रूप ले लिया। वाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रियो, उग्रवादी राष्ट्रीयता क्यों उभरी? वही ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों की वजह से लोग ट्रू नेचर से और ज्यादा परिचित होने लगे थे ब्रिटिशर्स के, और इकोनॉमिक माइजरीज, जो इकोनॉमिक कष्ट झेलने पड़ रहे थे, उसके अलावा कई सारे अकाल आए, उनसे कंडीशन और भी ज्यादा जो थी दयनीय हो गई। 1896 से लेकर 1900 के बीच काफी फेमाइंस आए, काफी अकाल पड़े, 90 लाख उसमें लोग मर गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का कोई भी जो था हितकारी रुख नहीं अपनाया भारतीयों के लिए, और प्लेग ने भी डेक्कन को प्रभावित किया। जो रिप्रेसिव लॉस थे आईपीसी के अंदर काफी दमनकारी थे, उनसे भी भारतीयों में गुस्सा बढ़ा, और ब्रिटिश जो थे मास एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, उनको सप्रेस कर रहे थे, इंडियंस के राइट ले रहे थे। तो ये सब चेतना बढ़ी राष्ट्रवाद, और ज्यादा राष्ट्रवाद ने फिर उग्र रूप लेना प्रारंभ कर दिया। तो वही है कि मिलिटेंट नेशनलिज्म ने फिर उसको जन्म लिया, क्योंकि जो मॉडरेट थे उनसे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था। ये नहीं था कि मॉडरेट आ गए, 1892 का जो एक्ट था वो तो ले आए थे, वही उनकी एक सफलता थी स्टार्टिंग, लेकिन फिर नीतियों में परिवर्तन नहीं कर पाए थे कि शोषण होना कम करें या फिर कोई हितकारी चीजें करें ब्रिटिश करने लगे, ऐसा कुछ नहीं करने में सफल हुए थे। तो उनके जो फेलियर ने फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म को जन्म दिया, उग्रवादी राष्ट्रीयता। ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, तो तिलक, जो बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद थे, उन्होंने नेशनलिस्ट जो थे उनको बताया कि आप विश्वास करिए जो भारतीय जन है उनकी क्षमताओं पर, उनको उतारिए नेशनल मूवमेंट में, उनको साथ लाइए, उनको इनके खिलाफ। तो इस भावना ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया कि अब जो है समस्त जो जन है उनको देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जन आंदोलन में उतरना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा का प्रसार होने लगा, लोग अपने राइट से परिचित होने लगे, उनको पता लग गया इंडिविजुअल राइट्स के बारे में क्या होता है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, जो अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हो रहे थे, 1868 के बाद जापान की प्रगति, जापान ने कितनी प्रगति कर ली, उससे काफी उसका काफी इंपैक्ट पड़ा।
एशिया में ही है जापान, तो लोगों में ये चेतना हुई कि हमारा देश कहाँ है, हम नहीं प्रगति कर पाए हैं ब्रिटिश की जो नीतियां हैं उनकी वजह से, ना ही ये कोई मॉडर्नाइजेशन इंडक्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, बस हमारी इकोनॉमी जो थी उसको भी बर्बाद करते जा रहे हैं। जो इथोपियाई थे उन्होंने जो इटली की सेना थी उसको हरा दिया, बोअर युद्ध, तो ये सब चीजों ने, जापान की रूस पर जीत, तो ये सब चीजों ने ये भारतीयों को विश्वास दिलाया कि जो पहले एक धारणा बन चुकी थी कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन जो है इनविंसिबल है, अब पराजय है, तो इन सब चीजों ने ये विश्वास दिलाया कि नहीं, उन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, और इस मिथकों को तोड़ दिया, अजेता के मिथकों को, जो यूरोपियन अजेता के मिथकों जो मिथक थे उनको। रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, तो बढ़ते जो पश्चिमीकरण जो बढ़ रहा था उसका प्रभाव हो रहा था, अच्छे अच्छे आइडियाज को तो सबने एडवोकेट किया, सबने लिया, लेकिन फिर जो और भी ज्यादा बढ़ रहा था पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन, तो फिर हिंदू जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने भी उसके सामने भारतीय कल्चर को रखा और बोला कि भारतीय अतीत भी बहुत गौरवशाली रहा है और भारतीय सभ्यता भी बहुत बड़ी सभ्यता, बहुत अच्छी सभ्यता है, उससे लोगों को परिचित कराया, तो इससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, यूनिटी बढ़ी, उसमें स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा रोल था, जो एक श्रेष्ठ अपना अतीत को सामने लाने में भारतीयों के, तो इससे पश्चिमीकरण के प्रति जो थी प्रतिक्रिया बढ़ी। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, कर्जन की जो नीतियां थी उसमें यूनिवर्सिटीज एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट और इन सबसे बढ़कर बंगाल का जो विभाजन था उसने एक प्रकार से राष्ट्रवादी जो आंदोलन था, राष्ट्रवादी भावना थी, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया ये सब दमनकारी नीतियों ने। और इसने जो था, ही रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इंडिया एज ए नेशन, तो इंडिया को एज ए नेशन के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और राष्ट्रवादियों का अपमान किया। तो ये सब चीजें थी जो गुस्सा डेवलप कर रही थी और एक प्रकार से मिलिटेंसी को जन्म दे रही थी, उग्रवाद को। एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, उग्रवादी विचारधारा का अस्तित्व, तो इंपॉर्टेंट लीडर थे इस विचारधारा के, कौन कौन थे, बाल, लाल बाल पाल, इनको हम तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, कौन थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। स्वराज टू वी दी गोल, इन्होंने बोला कि जो स्वराज है वो गोल होना चाहिए, जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो, ये जो भारतीय हैं उन पर भारतीय शासन करें, हमारी सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। विदेशी शासन से घृणा करना, जो भी उनकी नीतियां थी, जाहिर सी बात है घृणा होगी होगी, जनता की क्षमताओं पर विश्वास करना, उन्होंने जो इंडिया के लोग हैं उनकी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए राष्ट्रवादियों को बोला कि इनको आप उतारिए नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, तो इससे जो थी भावना और राष्ट्रवाद की फैली। व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता, तो उन्होंने बोला कि अगर राष्ट्रवाद के लिए, अगर शोषणकारी नीतियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बलिदान भी देना पड़े तो इसमें कोई समस्या नहीं है, सब लोग हाजिर हैं, कहीं भी जो है किसी भी प्रकार का बलिदान आप दे सकते हैं, परित्याग कर सकते हैं चीजों का। दी स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन रेस्पॉन्स टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इसमें बायकॉट करना था विदेशी वस्तुओं का, तो वो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन जो लाया था नीति ये, तो उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसमें लोगों से आग्रह किया गया, जो आमजन है, तमाम जो दिनों से ये बात चलती आ रही थी कि इसमें लोकल लोगों को, जो नेटिव इंडियंस है उनको शामिल करो, आम जन को मास मूवमेंट बनाओ, तो अभी अपील की जाने लगी कि विदेशी वस्तुओं का बायकॉट करिए, स्वदेशी चीजें जो है उपयोग करिए, तो वही स्वदेशी मूवमेंट था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो 20 जुलाई 1950 लॉर्ड कर्जन इशूड एन ऑर्डर डिवाइडिंग, तो 1905 को जो लॉर्ड कर्जन था उसने बंगाल के विभाजन का ऑर्डर इशू कर दिया, और उसमें ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम विद अ पॉपुलेशन ऑफ 31 मिलियन, तो ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में उसको डिवाइड करना था, जो बंगाल था उसमें ईस्टर्न बंगाल के साथ आसाम का पार्ट आ गया और उसकी पॉपुलेशन 31 मिलियन थी। खैर इतना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ये याद रखिए जो ईस्टर्न बंगाल था वो मुस्लिम डोमिनेटेड था, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द बंगाल था, वेस्टर्न बंगाल जिसको बोला, वो हिंदू डोमिनेटेड था, तो इससे मुस्लिम जो थे थोड़ा खुश हो गए,
डिवाइड एंड रूल की नीति, कर्जन ने भी लागू करी कि जो बंगाल है वो सेंटर है किसका, नेशनलिज्म एक्टिविटी का, नेशनलिस्ट एक्टिविटी का और नेशनलिज्म को बढ़ावा देने का। तो इसको यहाँ पे जो है इसको कम करने के लिए बंगाल को विभाजित कर दो, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कम हो जाएगी और फिर जो है यहाँ पे नेशनलिस्ट जो मूवमेंट चलते हैं यहाँ से पनपते हैं वो भी कम हो जाएंगे, नेशनलिज्म बढ़ना कम हो जाएगा। तो ये उसकी नीति थी। तो इसने एक ईस्ट बंगाल बना दिया, वो था मुस्लिम डोमिनेटेड, वहां पे मुस्लिम ज्यादा थे, और बोला कि हमने आपके लिए अलग से बना दिया है प्रांत, तो मुस्लिम इससे खुश हो गए, और वेस्ट बंगाल में हिंदू ज्यादा थे। आर्गुमेंट क्या दिए गए कि बंगाल जो है काफी बड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो ये दिया कहा इसने कि टू वी एफिशियंटली एडमिनिस्टर्ड, मतलब इतना बड़ा है कि सही से उस पर प्रशासन नहीं किया जा सकता तमाम, तो इसलिए उसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन उसका रियल मोटिव क्या था, रियल मोटिव ये था टू वीकन बंगाल द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो जैसा मैंने बताया नेशनलिज्म को कमजोर करना चाहता था बंगाल को वीक करने के लिए, उसको हिंदू मुस्लिम की डिवाइड एंड रूल वाली नीति उससे कम हो जाएगा, जो भी यूनिटी की वजह से आपस में नेशनलिज्म को और बढ़ावा मिलता है, और फिर जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वीक हो जाएगा। तो ये नीति थी। पार्टीशन कंपेन अंडर मॉडरेट्स, उदारवादियों के नेतृत्व में विभाजन के खिलाफ अभियान। तो इसमें कौन उदारवादी लीडर देख ही चुके हैं, एसएन बनर्जी, ये सब ने, पी मित्रा, तो ये सब ने पेटिशन और जो पब्लिक मीटिंग मेमोरेंडा ये सब चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन ये बहुत कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन सब संवैधानिक तौर तरीकों से और मॉरल सर्किल में रहते हुए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर में रहते हुए, तो लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुए बंगाल के विभाजन को बचाने में। और फिर इन्होंने 1905 7 अगस्त को एक वायकॉट रेवोल्यूशन जो था पारित किया, वायकॉट प्रस्ताव, और उससे फिर स्वदेशी मूवमेंट जो था स्टार्ट हो गया। स्वदेशी मूवमेंट वही जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल। अभी स्प्लिट का वक्त आ गया, जो सूरत में नरमपंथी और चरमपंथी दल था उसके विभाजन का टाइम आ गया। उसके प्रमुख क्या कारण थे, मेजर कॉज ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट एट सूरत। तो देखिए नरमपंथी जो थे, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा साधारण वे में, बहुत मॉडरेट मॉडेस्ट वे में अपील करते थे, और जो चरमपंथी थे, जो एक्सट्रीमिस्ट इनको बोले हम, थोड़ा उग्र बोले, इनका नेचर थोड़ा एग्रेसिव रहता था। तो मॉडरेट, इनका एक बात को लेकर विवाद ये हो गया कि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो थोड़ा हाई इंटेंसिटी का स्वदेशी मूवमेंट चलाना चाह रहे थे, और केवल बंगाल में कन्फाइन ना रखते हुए उसको बाहर भी निकलना चाह रहे थे। और मॉडरेट्स क्या चाह रहे थे, वो इसको खाली बंगाल में कन्फाइन रखना चाह रहे थे और थोड़ी लो इंटेंसिटी का। उनका क्या तर्क था, क्या बोल रहे थे वो मॉडरेट्स, बोल रहे थे कि केवल मूवमेंट को बंगाल में कन्फाइन रखो, जो स्वदेशी आंदोलन है, बायकॉट मूवमेंट है, और इसमें केवल फॉरेन क्लॉथ को लाओ और शराब को लाओ। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कहा कि इसको नहीं, पूरे देश में जहां जहां संभव हो इसका प्रसार करिए, और ऑल फॉर्म एसोसिएशन विद गवर्नमेंट, जो ऑल फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन विद गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से जितना भी एसोसिएशन हो रहा है हम जिनका, उन सबको जो था वायकॉट करिए। उसमें कौन कौन से आते हैं, स्कूल, कॉलेज, लॉ, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नमेंट सर्विस, म्यूनिसिपालिटी, ये सबको बॉयकॉट करिए। तो ये उनका मत था, लेकिन इसी के चक्कर में स्प्लिट हो गया, सूरत स्प्लिट के नाम से उसको जानते हैं। द मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, तो 1905 के बाद चरमपंथी ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर प्रभावी रूप से प्रभाव डाला, लेकिन नरमपंथियों के नेतृत्व वाला आंदोलन कुछ सफलता देने में विफल रहा। तो क्योंकि वो तो इतना इंटेंसिटी का कर ही नहीं रहे थे, बहुत ही ज्यादा उसको कन्फाइन रखना चाह रहे थे एक पर्टिकुलर एरिया में। शासन ने विभिन्न दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया, अब शासन गवर्नमेंट था, वैसे ही शोषणकारी नीतियां अपना रही थी, तो आंदोलन के खिलाफ तो और ज्यादा अपनाएगी, और इस आंदोलन का उन्होंने दमन कर दिया। छात्रों पर अत्याचार, वंदे मातरम गायन पर प्रतिबंध लगाया, सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाया, नेताओं की गिरफ्तारी, तो ये सब दमनकारी उपाय उन्होंने किए।
न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल बाय मिलिटेंट नेशनलिस्ट, उग्रवादी राष्ट्रवादियों द्वारा संघर्ष के नए तरीके। अब तरीके देख लेते हैं क्या क्या थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सार्वजनिक बैठकें, जुलूस, ये सब उनके तौर तरीकों में था। स्वयंसेवक समितियां और जो मेले त्योहार होते थे उनमें उनका उपयोग किया जाता था, क्योंकि मेलों में लोग इकट्ठे होते थे, त्योहारों के माध्यम से लोग इकट्ठे होते थे, तो जब इकट्ठे होते थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना फैलाई जाती थी, तो उनका एक प्रकार से उपयोग किया, यूटिलाइज किया वो जो एकत्रण होता था। एम्फेसिस गिविंग टू सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया, व्यक्तियों को ये एहसास कराया गया कि आप इंडिविजुअली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए, आंदोलन में भाग ले सकते हैं, और एक प्रकार से आत्मनिर्भरता का एहसास कराया उनको, ठीक है। और मास जो मूवमेंट था उसमें विश्वास रखते थे ये लोग, जो जन आंदोलन था, कि जो ये लोग थे उन्होंने कहा है कि जो आम जन है उनकी शक्तियों को पहचानी है, एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने। स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम, राष्ट्रीय, तो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो थी उसकी स्थापना की, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की, स्वदेशी और इंडिजिनस एंटरप्राइजेस जो स्वदेशी उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा दिया, इम्पैक्ट इन कल्चरल स्फीयर, सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना प्रभाव डाला। तो ये सब इनके नए तरीके थे, थोड़ा एग्रेसिव थे। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, स्टूडेंट एक्टिवली पार्ट लिया इन्होंने, और पिकेटिंग, पिकेटिंग होती है कि घेराव करना, जैसे एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, कोई शराब की दुकान है उसके चारों तरफ हाथ पकड़ के एक चैन बना लेते हैं और उसका घेराव कर देते हैं, लोगों को अंदर नहीं जाने देते, मतलब हाथ से पूरा चैन बना लेते हैं एक दूसरे के पकड़ का, तो उसको पिकेटिंग बोलते हैं। तो इन्होंने बहुत भाग लिया, तमाम चीजों का बायकॉट किया, पिकेटिंग की, और बंगाल, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के कई भागों में ये सक्रिय रहे स्टूडेंट्स। सरकार से अत्याचार भी इन्होंने सहे, जो भी दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही थी। वुमेन में भी एक्टिवली पार्ट लिया। मुस्लिम जो थे वो थोड़ा खुश थे, क्योंकि उनको बंगाल, अब यहीं से देखिए, मुस्लिम को अलग कर दिया गया डिवाइड एंड रूल की नीति ने, मुस्लिमों को दिखा दिया गया कि हमने देखिए आपका प्रांत अलग बना दिया है, तो मुस्लिम जो थे विभाजन के जो थे सपोर्ट में थे, कुछ नहीं थे लेकिन देखा जाए तो एक ग्रुप बना हुआ था, कुछ मुस्लिम सपोर्ट में थे, कुछ मुस्लिम जो थे विरोध में थे। तो इसी चक्कर में मुस्लिम का जो पार्टिसिपेशन था वो इतना ज्यादा नहीं था, कुछ मुस्लिमों ने भाग लिया, बट मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास जो मुस्लिम थे वो अपने आप को दूर रखा, क्योंकि वो फेवर करते थे जो पार्टीशन हुए, क्योंकि एक मुस्लिम प्रांत अलग बन गया उनको ऐसा लगता था। लेबर एंड ट्रेड यूनियन, श्रमिक और ट्रेड यूनियन, तो देखिए मजदूर जो थे उन्होंने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। मूल्य वृद्धि, नस्लीय भेदभाव जैसे जो मुद्दे थे उनके जवाब में कई जगह हड़तालें की गई, तो इस प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों का योगदान था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अब देखिए 1905 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, 30 दिसंबर 1905 को, और ये एंटी कांग्रेस फ्रंट के रूप में उभरता है, कांग्रेस विरोधी मोर्चे के रूप में ये उभरता है। तो इनका मानना था कांग्रेस जो है हिंदुओं के हित को रिप्रेजेंट करने वाला संगठन है, तो मुस्लिमों के हित को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक संगठन होना चाहिए, तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और ये आगे चलकर बहुत बड़ा इसका रोल रहता है, जो भारत का विभाजन होता है उसमें आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। दमनकारी जो सरकारी अधिनियम थे, रिप्रेसिव पॉलिसीज जो थी गवर्नमेंट की उसको देख लेते हैं। सेडेशन मीटिंग एक्ट 1907, ये जो बैठकें होती थी नेशनलिस्ट की उसको रोकने के लिए, राजद्रोही बैठक अधिनियम। क्रिमिनल लॉ एक्ट, आपराधिक कानून अधिनियम 1908। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको रिप्रेस करने के लिए। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ जो है उसके विरुद्ध। इंडियन प्रेस एक्ट, प्रेस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब एक्ट लाए गए जो गवर्नमेंट के द्वारा दमनकारी नीतियां थी आंदोलन के खत्म करने के लिए। एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन, तो देखिए
ये 1911 में डिसाइड किया गया कि जो क्रांतिकारी उग्रवाद बढ़ रहा है उसके खतरे को रोकने के लिए, तो 1911 में बंगाल का विभाजन को रद्द करने का फैसला किया गया, एनुलमेंट किया गया उसको। अभी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार से फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम भी एक अलग प्रांत बन गया। तो इस प्रकार से 1905 में विभाजन हुआ था और 1911 को खत्म कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। और इस टाइम पे हार्डिंग था जो गवर्नर, वाइसराय था वो हार्डिंग था, उस पर फिर हमला भी करा गया था, जब वो आगे देखेंगे हमला जब उस पर करा गया था, इसी टाइम पे किया गया था जब कैपिटल शिफ्ट हो रही थी कलकत्ता से दिल्ली। वाई स्वदेशी मूवमेंट फिजल्ड आउट वाई 908। स्वदेशी आंदोलन जो है 1908 तक समाप्त क्यों हो गया? देखिए, वही सरकार की दमनकारी जो नीतियां थी, कठोर दमनकारी, उसकी वजह से दमन हुए और आंदोलन को उनको रोकने में सफलता मिली। लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रभावी संगठन की अभी भी अनुपस्थिति थी, प्रॉपर नीतियां नहीं थी, प्रॉपर प्लानिंग की कमी थी, अनुशासित जो है फोकस का अभाव था, अनुशासित केंद्र का अभाव था। सभी नेताओं की गिरफ्तारी, जो भी लीडर थे उस टाइम पे कम लीडर हुआ करते थे तो उनकी भी गिरफ्तारी हो गई और उनको निर्वासित कर दिया गया अलग अलग जगहों पर, तो आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया। स्प्लिट इन नेशनलिस्ट रैंक, राष्ट्रवादियों में विभाजन हो गया और संकीर्ण सामाजिक आधार, तो राष्ट्रवादियों में विभाजन जैसे देखा, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट विभाजित हो गए, तो उस टाइम पे कम ही लीडर्स थे, कम, तो उस टाइम पे उनमें भी विभाजन हो गया, तो आंदोलन को रिप्रेस करने में भी आसानी रही और कमजोर भी पड़ गया। सब मिलकर काम करते, एक मत काम करते तो लाभ होता और अच्छे से आंदोलन संचालित होता। संकीर्ण सामाजिक आधार, देखिए लोगों ने पार्टिसिपेट तो अच्छे से किया था लेकिन अभी भी उतनी जो था इंटेंसिटी का पार्टिसिपेशन नहीं था। अगर देखा जाए तो आखिरी व्यक्ति तक का सहयोग नहीं था, पार्टिसिपेशन अच्छा था, मास पार्टिसिपेशन था लेकिन उस इंटेंसिटी का नहीं था। तो संकीर्ण सामाजिक आधार, अचीवमेंट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियां, हालांकि फेल हो गया आते आते ये 1908 तक, लेकिन कुछ ना कुछ उपलब्धियां तो रही। देखिए हर आंदोलन की कुछ ना कुछ उपलब्धियां तो रही हैं, जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन हुए हैं 1857 से पहले के या 1857 या फिर उसके बाद के जितने भी रहे हैं, गांधी द्वारा जितने किए गए, उनसे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ा ही है। नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया है, आगे की रणनीतियां क्लियर हुई हैं, तो आते आते अल्टीमेटली जो है फिर स्वतंत्रता मिली। अब कोई भी होता है, मान लीजिए किसी भी किसी चीज को भी तोड़ते हैं तो उस पर 10 हथौड़े मारे जाते हैं, तो वो 10वें हथौड़े में टूटता है तो उसका मतलब ये नहीं कि जो 9 मारे गए हैं उनका कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो वही चीज यहाँ पे थी। आंदोलनों के बारे में हम बोल सकते हैं कि नेशनलिज्म को बढ़ाने में सब आंदोलन का उपयोग था। अचीवमेंट देख लेते हैं इसके, अब तक के जो अछूते वर्ग थे उन्होंने भी भाग लिया। आंदोलन की समृद्धि केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, इसमें कला, साहित्य, विज्ञान और उद्योग भी शामिल थे। लोग नींद से जाग के, नेशनलिज्म बढ़ा, उन्होंने साहसिक राजनीतिक पद लेना सीख लिया, राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए, राजनीतिक कार्यों के नए रूपों में भाग लिया उन्होंने, थोड़ा एक्टिव हो गए पॉलिटिकली, नेशनलिज्म भी बढ़ा उनमें, भविष्य के लिए अनुभव प्राप्त हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि कोई भी चीज करते हैं तो भविष्य के लिए अनुभव प्राप्त होता है, कि जैसे कोई भी अटेम्प्ट देते हैं एग्जामिनेशन का, पढ़कर जाते हैं, फिर उसमें फेलियर होता है तो कहते हैं ना फेलियर से ज्यादा सीखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे थी कि आंदोलन हो रहा था तो उससे एक चीज आई कि भाई स्प्लिट नहीं होना चाहिए, तो अभी इनमें जो स्प्लिट हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, तो आगे के लिए नेता जो है कभी भी ऐसी स्थिति आई तो वो उसको समझ गए कि स्प्लिट को रोक लिया गया। आगे कुछ ऐसे मौके आए जहां पे इसी आधार पर स्प्लिट को रोका गया, जो सूरत में स्प्लिट हुआ था कि उससे कमजोरी आ गई थी, पॉलिटिकली इनएक्टिविटी आ गई थी, राजनीतिक रूप से जो है इनएक्टिविटी आ गई थी, तो इसी आधार पर आगे के स्प्लिट को भी रोक लिया गया। तो खैर ये सब अचीवमेंट्स थे इसके। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो सुधार, अब इसके पीछे की कुछ घटनाएं देख लेते हैं। 1906 में
शिमला शिष्टमंडल नामक एक मुस्लिम डेपुटेशन था, मुस्लिम कुलीनों का एक समूह था, वो लॉर्ड मिंटो से मिला और सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होते हैं और ज्वाइंट इलेक्टोरेट क्या होते हैं उनको देखते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए कोई जगह ए है, कोई ए विधानसभा है, उसमें मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया हुआ है, तो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अब जैसे ए में दिया गया है तो इसमें जो जितने वोटर होंगे वो सारे मुस्लिम होंगे, ठीक है, और जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो भी मुस्लिम होगा। तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो वहां के जो अन्य लोग हैं उनसे वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा, ठीक है। और ज्वाइंट इलेक्टोरेट क्या होता है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट में मतलब सब लोग वोटिंग करते हैं। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट और ज्वाइंट इलेक्टोरेट में अंतर होता है कि जैसे किसी अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये दिया गया है कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, अब मान लीजिए कोई कम्युनिटी एक्स है उसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया और ए है जो विधानसभा क्षेत्र का नाम है जहां में मतलब चुनाव हो रहे हैं, तो अब एक्स जो कम्युनिटी का व्यक्ति है वो ए विधानसभा क्षेत्र में खड़ा है तो उसमें जितने भी एक्स कम्युनिटी के लोग हैं वही वोटिंग कर सकते हैं, वही वोटिंग कर सकते हैं और एक्स कम्युनिटी का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है चुनाव में, ठीक है। तो मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट अगर किसी कम्युनिटी को दिए गए तो एक जगह में दिए गए हैं तो उस जगह से वही कम्युनिटी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और उसी कम्युनिटी के व्यक्ति वोटिंग कर सकते हैं, ओके। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट था, 1906 में इसकी बात की गई थी, मांग की गई थी मुस्लिम डेपुटेशन द्वारा। और ये अंग्रेजों की भी इसके पीछे चाल थी, अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल की नीति थी उसके आधार पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट का पूरा जो था सिस्टम तैयार किया गया था और फिर मोंटेमिल्लो रिफॉर्म 1909 में ये दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो भी इंग्लैंड गए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो जॉन मॉर्ले थे इनसे मिलने। मिंटो कौन थे, वॉइसरॉय, और मॉर्लो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंग्लैंड, फॉर इंडिया, इंग्लैंड में। तो उनसे डिमांड करने गए सेल्फ गवर्नमेंट की, स्वशासन प्रणाली की मांगों को पूरा करने के लिए आग्रह किया। अब इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं। 1909 मोंटेमिल्लो रिफॉर्म, इसमें नॉन ऑफिशियल जो मेंबरशिप होती है उसके अलाउ किया गया और इलेक्शन जो भारतीय हैं जो विभिन्न विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई भारतीयों को, हालांकि वर्ग और समुदाय के आधार पर था ये। सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे मैंने बताया उसको लीगल किया गया, उसको मुस्लिमों को प्रोवाइड किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट को, और ये एक डेट्रीमेंटल स्टेप थी इंडिया के लिए, ये विभाजन का भी कारण बनी आगे चल के। इसने बीज बोया, जो दूरियां थी हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो दूरियां थी, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति ने दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी थी और वो अल्टीमेटली जो है कल्मिनेट हुई किसके रूप में, विभाजन के रूप में, डिविजन के रूप में। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड। तो केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। अभी देख लीजिए इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द टोटल कितने मेंबर, 69 मेंबर, उसमें से 37 जो है ऑफिशियल और 32 नॉन ऑफिशियल। तो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल में क्या डिफरेंस है, नॉन ऑफिशियल वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट करती है वायसराय की, तो वो हो गए ऑफिशियल आधिकारिक मेंबर। नॉन ऑफिशियल कौन से हैं, जो गैर आधिकारिक मेंबर होते हैं, जो गवर्नमेंट अधिकारी नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें से भी 27 जो हैं वो इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड होंगे और 5 को भी नॉमिनेट किया जाएगा, 5 को नॉमिनेट किया जाएगा जनरली। और 27 में से 8 सीटें जो थी वो किसके में दे दी गई, मुस्लिम इलेक्टोरेट को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अंतर समझ में आ गया होगा, आधिकारिक और गैर आधिकारिक। जो आधिकारिक होते थे वो 37 थे और 37 को वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है डायरेक्ट अपॉइंट करती थी, कोई मतलब नहीं किसी का, उनका उस पर अधिकार है। और जो 32 हैं वो नॉन ऑफिशियल है, उनका मतलब गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं था, ठीक है, जनरली भारतीयों से ही अपॉइंट किए जाते थे। तो उसमें से 32 में से 5 जो हैं वो भी नॉमिनेट किए जाएंगे, नामित किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, नॉन ऑफिशियल होंगे लेकिन वो नामित किए जाएंगे। और उसमें से जो 27 हैं वो
इलेक्ट किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे, और उन 27 में से 8 सीटें जो थी मुस्लिम इलेक्टोरेट्स के लिए रखी गई। द इलेक्टेड मेंबर वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड, लोकल बॉडीज वर टू इलेक्ट द इलेक्टोरल कॉलेज। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था उनका, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था। स्थानीय निकाय जो थी एक निर्वाचक मंडल बनाती थी, उनको फिर चुनना था, ठीक है। वे प्रांतीय विधानसभाओं को सदस्य को चुनते थे। अब जो लोकल बॉडीज जितनी थी, लोकल बॉडीज अपना एक बनाती थी इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल, वो किसको चुनती थी? जो प्रोविंशियल मेंबर होते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते थे उनको, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर किनको चुनते थे? जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर होते थे उनको, ठीक है। और लेजिस्लेचर कुड आस्क, कुड पास रेजोल्यूशन। तो विधानसभाएं जो थी जो प्रस्ताव पारित कर सकती थी, प्रश्न पूरक प्रश्न पूछ सकती थी, और बजट पे अलग अलग मदों पर वोट कर सकती थी। एक चीज इसमें हुई, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक भारतीय को नियुक्त किया जाना था। जितने भी मेंबर होते थे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होती थी, वायसराय के पास और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। तो उसमें अब एक भारतीय को चुना जाने लगा इसके बाद से, ठीक है। तो दोस्तों इसी के संग हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप अपना अनुभव बता सकते हैं, और धन्यवाद।